गुड मॉर्निंग, आज हम EL-307 LIEC की यूनिट 6 के मल्टी रेंज DVM यूजिंग सूटेबल IC को डिस्कस करेंगे। जैसा कि ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है, ये एक DVM का ब्लॉक डायग्राम है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है A to D कन्वर्टर। A to D कन्वर्टर का मतलब जो एनालॉग वोल्टेज जो इस पर लगाई जाती है उसको ये इक्विवेलेंट डिजिटल वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ये ड्यूअल स्लोप A to D कन्वर्टर यहाँ यूज किया गया है। तो जैसे ही इनपुट एनालॉग वोल्टेज इसको लगाई जाती है उसके इक्विवेलेंट ये आउटपुट डिजिटल वोल्टेज देता है। यहाँ ये जो डायग्राम है ये 2.5 digit DVM का ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है। इसमें ये 2 digit तो फुल हैं, ये डिजिट और ये डिजिट, यानी कि यहाँ जो आउटपुट आएगा वो इस लैच को दिया जाएगा, लैच से ये डिकोडर ड्राइवर को दिया जाएगा और उसके बाद ये 7 segment LED डिस्प्ले को दिया जाएगा। ये 7 segment LED 0 to 9 डिस्प्ले कर सकती है। इसी तरह ये पूरा का पूरा जो लाइन है इसमें भी ये 7 segment LED 0 to 9 डिस्प्ले कर सकती है, यानी कि इन टोटल इसके ऊपर 0 से और 99 तक डिस्प्ले किया जा सकता है। अर्थात ये पूर्ण डिजिट है, टू डिजिट तो, लेकिन ये वाला जो डिजिट है इसमें खाली या तो ये LED 1 डिस्प्ले करेगी या ये कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगी, अर्थात ये हाफ डिजिट है। तो टोटल ये मिलाकर 2.5 digit DVM हो गया है। यदि इसे हम 3.5 digit DVM बनाना है तो इसमें ये लैच डिकोडर ड्राइवर की एक लाइन यहाँ पर हम और लगाते चले जाएंगे तो 1, 2, 3 ये 3.5 digit का डिजिटल डिस्प्ले हो जाएगा। ये लैचेस बेसिकली क्या करते हैं, ये जो कन्वर्टर है या काउंटर है उससे इनपुट लेते हैं और डिकोडर ड्राइवर को अपना आउटपुट देते हैं। डिकोडर ड्राइवर की इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जो लैच का आउटपुट है वो BCD में है और उसको हमें 7 segment LED डिस्प्ले के अनुरूप बनाना है, तो हमें या तो डिकोडर या ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ये लैचेज और इनके बीच में डिकोडर ड्राइवर यूज़ किए गए हैं। इन लैचेज को स्ट्रोब जनरेटिंग सिग्नल के द्वारा क्लॉक पल्स कह सकते हैं या इनका स्टार्टिंग पल्स कह सकते हैं। वो सिग्नल इन लैचेज को यहाँ स्ट्रोब जो दिया जाता है वो स्ट्रोब इस स्ट्रोब जनरेटिंग सर्किट से दिया जाता है। ये जो 7 segment LED डिस्प्लेज हैं ये फाइनली जो आउटपुट है डिजिटल मान ये उसको प्रदर्शित करती है। थैंक यू।